हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बलिया आ चुके हैं और बलिया के धरहरा गांव में एक सुराहा ताल है। यहाँ पे जहाँ चंद्रशेखर जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सुराहा ताल में एक आयोजन किया गया है, सुराहा ताल पक्षी महोत्सव। तो सुराहा ताल पक्षी महोत्सव के मेले में और आयोजित जो स्थल है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं सुराहा ताल पक्षी महोत्सव लिखा हुआ है, जो 10 तारीख से शुरू हुआ है और 12 तारीख तक रहेगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी दी है अंकित ने। हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चाचा के चैनल पे शिवा ट्रैकर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि सुराहा ताल बलिया का कैसा लगता है। सुराहा ताल पक्षी महोत्सव लिखा हुआ है और इसका ये जो प्रोग्राम का फंक्शन है जो 10 तारीख से 12 तारीख तक का था, 2 दिन का था, और हम लोग आ जाए हैं आज 11 तारीख है, मतलब 3 दिन का था। कल भी है, आप लोग कल आ सकते हैं और देख सकते हैं, जिसमें कई तरह के रंगोली प्रतियोगिता, पक्षियों का पर्यावरण से संबंधित पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे होने वाले थे और हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम। एक भैया मिले हैं जिनका चैनल का नाम आशीष ट्रेवल है, ये भी ब्लॉगर हैं और ये भी बलिया से ही हैं, आप देख सकते हैं। इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके जो ऑडियंस है मुझे भी सब्सक्राइब करिए। आप देख सकते हैं फंक्शन अभी ख़त्म हो चुका है, हम लोग सबसे लास्ट में पहुँचे हैं। अगर आप कल आते हैं तो लास्ट कार्यक्रम 12 तारीख को है, कल का कार्यक्रम आप लोग देख सकते हैं। और इधर मेला लगा हुआ है, इधर मेले से लोग वापस आ रहे हैं, अभी सब प्रोग्राम हो रहा है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कुछ प्रोग्राम दिखाए, हम लोग मेले से घूम के आते हैं। ठीक है, मिलते हैं भाई आप लोगों से। चलिए आप लोग को प्रोग्राम दिखाते हैं क्या हो रहा है। लगभग प्रोग्राम खत्म हो चुका है, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है अभी। मनीषा प्रथम स्थान की बारी, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है आकर्षिका श्रीवास्तव सेंट जेवियर्स स्कूल धरारा बलिया ने। पेंटिंग प्रतियोगिता था, आप देख सकते हैं इधर ढेर सारे पेंटिंग्स बनाए हैं, कई सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी बलिया के ही बच्चे हैं, सेंट जेवियर्स स्कूल के, रामरती स्कूल के। अभी आपने सुना होगा सेंट जेवियर्स स्कूल के कोई लड़की है जो प्रथम स्थान प्राप्त की है, तो ये बलिया के लिए एक अच्छा विषय था और अच्छा समय था जब बलिया के स्टूडेंट को इस तरह के पार्टिसिपेट्स करने के लिए बलिया में ही कोई आयोजन किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगा, ये पेंटिंग्स देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता थी और यहाँ पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम अभी चल रहा है, काफी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। धरारा विद्यालय के अपर्णा सिंह सबसे लास्ट में आए हैं, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और इधर बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर बच्चे खेल रहे हैं और इधर कुछ खाने पीने की स्टॉल लगे हुए हैं। आगे चलते हैं और जिधर मेला लगा हुआ उधर आप लोग को दिखाते हैं। कई सारे दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें से कुछ दुकानें खाली हो गई हैं, वापस भी जा रही हैं। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, इधर भूजा की दुकान लगी हुई है। यही छोटा सा मेला है बट अच्छा है, आप लोग आइए। कल लास्ट डेट है, 12 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग आइए और इसका एंजॉय करिए। देखिए 12 तारीख को लास्ट है तो इसलिए एक ही दिन का मौका है, अपने बच्चों को लेके आइए और कल यहाँ पे एंजॉय करिए। देखिए अभी हम आपको ताल की तरफ लेके चल रहे हैं, आगे ताल है आप देख सकते हैं। इधर भी खेलने के लिए बच्चों के लिए वो लगा हुआ है, बाकी इधर एक छोटा सा ताल है तो बच्चों को खेलने के लिए, और मेले में ये ना हो तो बच्चे खुश कैसे होंगे, इसके लिए ये भी है यहाँ पे। फायरिंग हो रहा है, जो फायरिंग वाला गेम होता है मेले में वो वाला फायरिंग भी हो रहा है यहाँ पे, और छोटा सा झूला भी आया हुआ है। कुल मिला के एक छोटा मोटा मेला ही है, आप देख सकते हैं। छोटा सा मेला और छोटी मोटी दुकानें, काफी अच्छा है।
पोखरा, पोखरा इसमें एक नाव है जो डूबी हुई है। और ये रहा सुरहा ताल का झील, जिसको ताल बोलते हैं, सुरहा ताल। यह है सुरहा ताल और यही झील है। और ऊपर भी चलेंगे, एक टावर है यहाँ पे, टॉर्च टावर इसको बोल सकते हैं। तो ऊपर भी चलेंगे, ऊपर से भी दिखाएंगे, बाकी चलिए आगे से आपको दिखाते हैं। कर लो। इस सुरहा ताल में जो पक्षियाँ आती हैं, दूर दूर से आती हैं, और जो यहाँ पक्षियाँ हैं उनका विवरण है। कई तरह की यहाँ पे पक्षियाँ आती हैं और कई तरह की पक्षियाँ रहती भी हैं, जो यहाँ की लोकल, इस जो जंगल में है जो ताल है, ये ताल बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक है। तो यहाँ की लोकल भी पक्षियाँ हैं, और कुछ पक्षियाँ हैं जो गर्मियों के सीज़न में बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से भी उड़ के आती हैं इतने दूर से। जैसे उस जलवायु चेंज होता है, उस हिसाब से पक्षियों का भी जगह रहने का स्थान चेंज होता है। तो ये उन पक्षियों का विवरण है। कई तरह की पक्षी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई देंगी आपको, अगर आप घूमने भी मिलते हैं। और इधर है सुरहा ताल, आप देख सकते हैं एक एरिया भी बनाया गया है। इसमें झंडा गाड़ के हो सके आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो एरिया बनाया गया है, इसके अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बिना आपको हम पूछ के बताते हैं कि जो सुरहा ताल में ये वोटिंग हो रहा है, जो इसका कितना पर पर्सन फेयर पड़ता है बड़े भैया? पर पर्सन कितना रुपया लगता है क्या वोटिंग करने का? वोटिंग का कितना रुपया लगेगा? एक पैसेंजर का 30 रुपया है। और ना यहाँ पे अगर आपको ये जो अपने झंड लगा है इसके 15-20 मिनट आधे घंटे भी हो जाता है, जो जैसा नाव चलाने वाला है उसके हिसाब से। कोई तेज चलाता है, कोई धीरे चलाता है। पर पर्सन 30 रुपये है, और लगभग 20 से 30 मिनट का एक बोटिंग का एक राउंड है। आप आइए कल, यहाँ पे आप जब भी आएंगे बोटिंग कर सकते हैं, बट आने का समय जो है ना 10 से 4 बजे के बीच में जब आएंगे तभी आप बोटिंग कर सकते हैं, वरना बोटिंग नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, 4 बजे से पहले आना पड़ेगा। 3:30 बजे तक आइए ताकि 4 बजे तक आप बोटिंग कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे, आगे चल के देखते हैं आगे अभी क्या चल रहा है। कुछ अलग अगर स्पेशल हो रहा होगा तो हम आपको दिखाएंगे। हाय ब्रो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? आदित्य। और आदित्य भाई साहब हैं, ये भी आए थे सुरहा ताल पक्षी महोत्सव में यहाँ आने के लिए। आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहूँगा आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे जरूर जरूर यहाँ पे जरूर बेशक लेके आऊँगा जरूर। और भी भाई लोग हैं यहाँ पे, 2-3 और भी भाई लोग के साथ में, हाय कर दीजिए। हाय, क्या नाम है यूट्यूब का भैया? ट्रैकर शिवा। ट्रैकर शिवा यूट्यूब पे दिखाएगा ना? हाँ दिखाएगा, ट्रैकर शिवा। भाई लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए थे, और काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे आयोजन में आना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम्स में तो लाखों लोग चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के फंक्शन जिससे कुछ समाज का अच्छा होने वाला हो वहाँ पर लोग नहीं आते। तो आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग बलिया से हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर बाहर से भी है तो बताइए सुरहा ताल पक्षी महोत्सव का ये सब्जेक्ट जो है आप लोग को कैसा लगा। और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।